50 साल पुराने सेवा नियमों में बदलाव होने से अब शिक्षकों और बेरोजगारों अभ्यर्थियों में खुशियां देखी जा रही हैं। नए नियमों में बदलाव के साथ ही अब व्याख्याता और प्रधानाचार्य की पदोन्नति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। नए नियमों में अब माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे और इसके लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट देखिए। पदोन्नति से भरे जाएंगे जिला शिक्षा अधिकारियों के पद। पुराने नियमों में आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे, अब सभी पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। पदोन्नति के आधार पर भरे जाने से जल्द ही रिक्त पद भरे जा सकेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष का बनाया गया अलग से कैडर, तृतीय श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक का बना अलग से कैडर। कैडर के बनने से पुस्तकालय अध्यक्षों को प्रथम श्रेणी तक पहुँचने का मिलेगा मौका। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 22 प्रिंसिपल का पद सृजित, व्याख्याताओं को पदोन्नति के जरिए मिल सकेगा 22 प्रिंसिपल का पद। 10,000 से ज्यादा व्याख्याताओं की पदोन्नति की राह खुली। अब माइनस अंक वाले नहीं बन सकेंगे शिक्षक, कम से कम 40% अंक लाना होगा अनिवार्य। पहले के नियमों के तहत माइनस अंक पर भी बन जाते थे शिक्षक, लेकिन नए नियमों के प्रावधानों के तहत अब होगी सख्ती। 1970-71 में बने नियमों के बदलाव के साथ ही अब शिक्षक संगठन और प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थी चैन की नींद ले रहे हैं। पिछले कुछ सालों से पदोन्नति में आ रही बाधा को अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नियमों में बदलाव कर दूर कर दिया। सालों से चली आ रही परिपाटी में बदलाव के साथ ही अब प्रदेश में बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी। सालों से खाली पड़े पद भरे जाएंगे। ये जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम और राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो 70 और 71 में बने थे, उनमें काफ़ी बदलाव किया गया है। 10-12 चेंजेज किए गए हैं, क्योंकि उनकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही थी और कई प्रमोशन नहीं हो रहे थे। कई परेशानियों के कारण से शिक्षा विभाग को मजबूती नहीं मिल पा रही थी, तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। उसमें एक तो इन दोनों सेवा नियमों को एक कर दिया गया आज से। दूसरा, इसमें जो अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति थी, पहले इसमें 3 वर्ष पर जस्ट पहले वाले पद का एक्सपीरियंस होना था, जो नहीं मिलने के कारण से ये वर्षों से पद खाली रह जाते थे। अब उससे एक नीचे वाले ग्रेड का 3 साल का और उससे जस्ट पहले वाले का 1 साल का, यानी 4 साल का अगर अनुभव हो गया तो उसके बाद में उसकी पदोन्नति हो जाएगी। कहने का मतलब, जो नेक्स्ट का 3 साल का था उसको 1 साल कर दिया गया और उससे पहले का 3 साल का कर दिया गया, जिससे इन पदों पर JD और इनके ऊपर AD के ऊपर पदोन्नति हो सकती है। पहले UG में अलग और PG में अलग विषय पर ही दी जाती थी पदोन्नति, लेकिन अब UG और PG में एक ही विषय होने पर बन सकेंगे व्याख्याता। नए नियमों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का पद भी किया गया शामिल। नियमों में बदलाव के साथ अब शारीरिक शिक्षा के 254 व्याख्याता मिल सकेंगे। इससे द्वितीय शिक्षक श्रेणी के व्याख्याताओं की पदोन्नति की राह भी आसान होगी। प्रदेश में करीब 10 लाख अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा के नियमों में बदलाव के साथ अब बेरोजगार अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके साथ ही करीब 4 लाख कर्मचारी जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले कई स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद भी खाली थे, लेकिन अब स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के पद सृजन से ये कमी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। वो व्याख्याता पहले होता था, वो किसी में भी ग्रेजुएशन करो, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय से करता था उसका व्याख्याता बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने BSc किया है, साइंस से वो पढ़ा है ग्रेजुएशन, और उसने अगर भूगोल, अंग्रेजी या इतिहास से 2 साल PG करके, और वो व्याख्याता भूगोल या इतिहास का बन जाता था, जिससे वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पाता था। अब हमने ये नियमों में संशोधन कर दिया है कि जो ग्रेजुएशन जिस विषय में करेगा उसी में PG करेगा, उसी को व्याख्याता बनाया जाएगा। एक जो प्रधानाध्यापक है 10वीं का, उसको ग्रेजुएशन के ही योग्यता की जरूरत थी, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं थी। अब उसको जोड़ करके पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद है और अब आगे चल करके वो वाइस प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल के लिए तो था पोस्ट ग्रेजुएट और प्रधानाध्यापक के लिए था ग्रेजुएशन, तो उसको भी हमने ठीक कर दिया क्वालिटी एजुकेशन के लिए। शिक्षा विभाग में 50 साल पुराने सेवा नियमों में किए गए बदलाव और विभिन्न पदों पर पदोन्नति के विकल्प खोलने पर
शिक्षा विभाग के कर्मचारी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पदोन्नति के रास्ते खोलने पर शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत सम्मान भी किया। शिक्षक संगठन रेसला की ओर से शहीद स्मारक पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 50 वर्ष बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, नए नियम बने हैं और उन नए नियमों में सभी वर्गों को, जिसमें चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, लेक्चरर्स हो, इन सबको बहुत बड़ा फायदा मिला है। लेक्चरर्स का जैसे पदोन्नति अनुपात है वो 67:33 की जगह 80:20 कर दिया। हमारे पिछले 35 वर्षों से जो हेडमास्टर और लेक्चरर की आपसी लड़ाई थी उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, हेडमास्टर पद को ही समाप्त कर दिया। तो इन सभी चीज़ों से हमारा व्याख्याता समुदाय बड़ा खुश है और हमने तुरंत ही एक निर्णय लिया कि भाई आज हम शिक्षा मंत्री जी को एक बार एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नए नियमों में बदलाव के बाद अब शिक्षा विभाग में मौजूदा कार्मिक और अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश के स्कूलों में सालों से खाली पड़े पद भी जल्द ही भरे हुए देखे जाएंगे। इससे न केवल प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता परख होगी बल्कि शिक्षा का मौजूदा ढांचा भी बदला हुआ दिखाई देगा। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।